हेलो गाइस, वेलकम बैक हियर। मैं अविनाश शर्मा आज आपका स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो में, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं हमारी न्यू परचेज, जिसमें कि हमने अपना सिस्टम अपग्रेड कर लिया है। ये एक काइंड ऑफ की मेगा परचेज है, आई थिंक सबसे बड़ी परचेज ये मेरी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमने अपने मैकबुक एयर M1 को न्यू प्रोडक्ट के साथ अपग्रेड किया है एंड एक न्यू प्रोडक्ट अपनी कलेक्शन में एड किया है। तो सबसे पहले मैकबुक एयर, अभी तक मैं लास्ट एक साल से मैकबुक एयर M1 यूज कर रहा था, जो कि ये 8GB रैम एंड 256GB की स्टोरेज के साथ आता है, जो कि हाल ही में मैंने अपग्रेड किया है क्रोमा से, जो कि फेस्टिव सेल्स चल रही हैं एप्पल के M2 के साथ। इसके कुछ फीचर्स थे, कुछ बेनिफिट्स जिनके कारण मैंने इनको अपग्रेड किया हुआ है। उससे पहले मैं बता दूं कि जो हमने दूसरा प्रोडक्ट ऐड किया है उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, तो इसके बाद में आपको अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस देता हूं। ये है हमारा एसर का एसर निट्रो 5 इंटेल i5 प्रोसेसर बेस्ड है, जो कि एक सेकेंड हैंड सिस्टम है, बट अभी जस्ट 5 to 6 मंथ ओल्ड है। अगर इस सिस्टम के बारे में बताऊं तो इसकी 144 हर्ट्ज की डिस्प्ले है, i5 इसमें प्रोसेसर है, एनवीडिया का 4GB का ग्राफिक कार्ड है, बाकी 8GB रैम है, 512GB स्टोरेज है। ये जो एसर है ये भी काइंड ऑफ न्यू सिस्टम है, जस्ट 6 मंथ ओल्ड है, जो कि मैंने अपने ब्रदर के साथ M1 के लिए रिप्लेस किया है। उसको थोड़ी रिक्वायरमेंट्स थी M1 के लिए, बट हमें विंडोज़ के लिए रिक्वायरमेंट थी। विंडोज़ के और सिस्टम भी है हमारे पास, बट थोड़ा पावरफुल सिस्टम चाहिए था जो कि ग्राफिक्स के काम हैंडल कर सके हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए, क्योंकि हम वेबसाइट डिज़ाइनिंग, मोबाइल ऐप्स, ग्राफिक्स एंड SEO सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, IT सर्विसेज। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ प्रोफेशनल्स इन योर वेबसाइट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट्स, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। वी हैव डन अबाउट मोर देन 150 वेबसाइट्स एंड मोर देन अबाउट 20 मोबाइल ऐप्स। वी यूज टू वर्क इन iOS, एंड्रॉयड, हाइब्रिड मोबाइल ऐप्स, PHP बेस्ड वेबसाइट, लेस लाइक WordPress, e-commerce, इंफॉर्मेटिव, ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ वेबसाइट वी यूज टू बिल्ड, एंड एज वेल एज SEO फॉर गूगल एंड अदर सर्च इंजन्स। सो हमें रिक्वायरमेंट्स थी एक पावरफुल विंडोज की, एंड उसको रिक्वायरमेंट थी थोड़ी M1 की। सो वी एक्सचेंज अवर प्रोडक्ट्स एंड वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर अपग्रेड, सो वी अपग्रेडेड टू M2। सो चलिए वापस चलते हैं अपने मेन हाईलाइट प्रोडक्ट के लिए, जो कि है M2, उसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। उससे पहले इसकी अनबॉक्सिंग, इसके कुछ फीचर्स भी हैं अगर आप चाहते हो तो मैं वो आपको एडवांस कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एप्पल की तरह ही इसके दो स्लाइसेस थे, जो पील एप्पल के मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स में आपने देखा होगा जहां से पीलिंग होती थी, क्योंकि क्रोमा ने हमें वेरीफाई करके प्रोडक्ट दिया है। तो इसकी अनबॉक्सिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, बट वी क्लोज्ड एज मच एज पॉसिबल जस्ट टू गिव यू फील। ये है मेन प्रोडक्ट, ये है मेन प्रोडक्ट। इसके साथ हमें छोटी सी बुक, जो कि एप्पल के काइंड ऑफ स्मॉल सी डॉक्यूमेंटेशंस, एप्पल लोगोज, स्मॉल, कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, मीडियम सी, वही सेम 30 वॉट का चार्जर जो कि USB टाइप सी के साथ है। और इसमें एक न्यू अपग्रेड है M2 में, इसकी केबल ब्रेडेड केबल है एंड मैग सेफ चार्जर के साथ आता है विद लाइट ऑन इट, एंड इट्स ऑल्सो हैव USB सी कनेक्टेड। नाउ बैक टू अवर मेन प्रोडक्ट।
क्रिंच भी सही आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं इसके क्यों हमने इसको अपग्रेड किया है, तो इसके कुछ फीचर्स हैं जो M1 के इन्हांस करते हैं कि M1 से अपग्रेडेड है। वो है फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेटेस्ट वर्जन है, M1 इज़ 2020 वेस्ट वर्जन, ये 2022 के वर्जन है, मींस ये 2 साल नया वर्जन है। उससे इसका प्रोसेसर एप्पल क्लेम करता है कि 18% फास्ट है M1 से। 0.3 इंच स्क्रीन इसकी थोड़ी सी बड़ी है एंड इसके बेजल्स बहुत ज़्यादा कम है एप्पल M1 के इन कंपैरिजन। एंड इसका कैमरा जो कि नोच में है, जो कि एप्पल के अदर प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन्स के एस्थेटिक्स पे बना हुआ है, इसका कैमरा 1080p कैमरा है, M1 का 720p था। इसका न्यू डिज़ाइन है जो प्रो मॉडल्स में आता है, वो डिज़ाइन अब M2 में है। न्यू डिज़ाइन एंड कीबोर्ड है इसका प्रॉपरली। थोड़ा सा इसकी ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है। लिक्विड रेटिना इसमें डिस्प्ले है, उसमें सिंपल रेटिना डिस्प्ले थी जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव है, और इससे इसकी बैटरी लाइफ भी थोड़ी इंक्रीज़ होती है, और इसकी बैटरी की कैपेसिटी भी आई थिंक माइनर फैक्टर्स में थोड़ी सी बड़ी है। और मोस्ट ऑफ थिंग इसमें मैगसेफ चार्जर है। एंड मेन थिंग, अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो कि क्या ये USB टाइप सी के साथ भी चार्ज होता है, तो यस, वी आर कन्फर्मिंग ये USB टाइप सी के साथ भी चार्ज होता है, क्योंकि हमने इसको टेस्ट कर रखा है। हमने स्टोर पे ही सबसे पहले ये क्वेश्चन किया था कि क्या ये USB टाइप सी के साथ चार्ज होता है, तो उन्होंने वहाँ पे टेस्ट भी किया क्योंकि वो भी श्योर नहीं थे। ये है इसका मैगसेफ जो कि मैग्नेट्स के साथ है एंड दिस अटैच। ये एक सिक्योरिटी काइंड ऑफ पर्पस है, क्योंकि एप्पल को काफ़ी प्रोडक्ट्स में उसके USB-C के साथ प्रॉब्लम थी कि उनके बोर्ड की पिन ख़राब हो जाती थी, कभी अगर प्रेशर से पुल हो जाए समथिंग तो ख़राब हो जाती थी। अब इसमें ब्रेडेड केबल है, केबल की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। लास्ट में जो M1 था उसमें USB-C टू USB-C ही चार्जर था, इसमें मैगसेफ है एंड हम USB-C भी यूज़ कर सकते हैं। एप्पल के अकॉर्डिंगली ये USB-4 है, टाइप सी 3.2, बट ये 4 है USB-C। सो दिस वाज ऑल अबाउट जस्ट इसका अगर एक डिसएडवांटेज देखा जाए कि क्या है, तो वो है कि ये M1 से 20,000 एक्सपेंसिव है INR में, इंडियन रुपीज़ में। बाकी अभी आजकल सेल्स चल रही हैं क्रोमा पे, फ्लिपकार्ट पे, तो बहुत अच्छी डील्स मिल रही हैं। एंड अगर आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हो तो आपको 18% डिस्काउंट मिलेगा ओवर, ऑल्सो 10,000 ओवर HDFC कार्ड। सो दिस वॉज ऑल वीडियो अबाउट। सो हमने अपना सिस्टम अपग्रेड कर लिया है, मे बी एक दो दिन में हम और वीडियो लेके आएँ, क्योंकि हम अपना कैमरा सेटअप भी अपग्रेड करना चाहते थे, तो हमने एक नया डिवाइस मंगवाया है कैमरा अपग्रेडेशन के लिए कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंप्रूव हो। अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग डेवलपमेंट इस रिगार्डिंग वीडियोस, डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड टेक प्रोडक्ट्स लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड इस साल हम काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंट रहने की ट्राई कर रहे हैं कि इस साल हम रेगुलर वीडियोज़ डालें इस चैनल पर। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।